और गुरुग्राम के तिगरा गांव में महापंचायत की गई अंजुमन मस्जिद घटना पर गिरफ्तारी के विरोध में ये महापंचायत हुई है। गलत गिरफ्तारी को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। पुलिस ने महापंचायत में जा रहे लोगों को रोका। उपद्रवी और संदिग्ध वाहनों को दबोच रही है गुरुग्राम पुलिस। महापंचायत का आज आयोजन किया गया। महापंचायत में जाने से हालांकि कई लोगों को पुलिस की तरफ से पहले ही रोका गया, लेकिन फिर भी महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। गुरुग्राम के तिगरा गांव में ये महापंचायत अंजुमन मस्जिद घटना पर गिरफ्तारी के विरोध में ये महापंचायत। गुरुग्राम के तिगरा गांव में महापंचायत हो रही है और ऐसे में इस महापंचायत को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। मैं इस वक्त तिगरा गांव की एंट्रेंस पे खड़ा हूं और मैं आपको बोर्ड दिखा दूं तिगरा गांव का। वो सामने तिगरा गांव का बोर्ड लगा है और नीचे आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस हर वाहन को जो है चेक कर रही है, हर दरवाजे को खोलकर चेक कर रही है, डिग्गी तक को चेक किया जा रहा है। और करने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं महापंचायत है, क्योंकि इस महापंचायत को लेकर के काफ़ी जो लोग हैं वो तिगरा गांव में इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस कोई ढील नहीं बरतना चाहती, जिसके चलते उपद्रवी या फिर संदिग्ध वाहनों को जरूर चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भगवे रंग की जो गले में डालने के लिए शॉल है वो मिला है, तो ऐसे में उन लड़कों को उसी वक्त जो है पुलिस ने उतार लिया गाड़ियों से। और इसी तरीके से जो संदिग्ध वाहन हैं जो कि उपद्रवी हो सकते हैं या फिर विद्रोही हो सकते हैं, उसके शक में गुरुग्राम पुलिस इस तरीके से इन महापंचायतों से जुड़ने वाले जो लोग हैं उनको उसी वक्त मौके पर ही जो है दबोच रही है। तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं और चेकिंग भी जो है उनकी की जा रही है। ये गुरुग्राम का तिगरा गांव है और तिगरा गांव की एंट्रेंस है जहां पर अंदर महापंचायत चल रही है, तो वहीं उस गांव के एंट्रेंस पे ही गुरुग्राम पुलिस ने नाका लगाया। साथ में हाथ में रजिस्टर आप देख सकते हैं। यहां पर एंट्री जो है एक आदमी की जा रही है और कोई सामान अगर गाड़ी के अंदर ऐसा है जिससे दंगा फैल सकता है तो उस सामान को भी जो है गुरुग्राम पुलिस निकाल कर बाहर रख रही है। ऐसे में महापंचायत में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं वो आने वाला समय ही बता पाएगा, मगर फिलहाल आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।